बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ईमानों से की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू माय चैनल एल के ट्यूटर। टुडे वी आर डिस्कसिंग द लास्ट पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन, बेसिकली द थर्ड लोब, दैट इज़ कॉल्ड द पोस्टीरियर लोब। ठीक है, हम लोगों ने पहली तीन लोब्स पढ़ी थी, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब एंड द लास्ट वन इज़ पोस्टीरियर लोब। और इसके दो ही हारमोन्स हैं, दैट इज़ एंटी डायोरेटिक हारमोन एंड ऑक्सीटोसिन। अच्छा, बेसिकली पोस्टीरियर लोब जो होती है वो स्टोर करती है एंटी डायरेटिक हार्मोन को और ऑक्सीटोसिन को। ठीक है, एंड दे कैन नॉट सेंसिटाइज एनी हार्मोन इटसेल्फ। ठीक है, इसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये खुद बनाए किसी हार्मोन को। ठीक है, ये खाली स्टोर करेगी, और स्टोर भी कौन कौन से हार्मोन करेगी? एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन को स्टोर करेगी। अब ये क्या करेगी, रिलीजेस दीज हार्मोन्स इन रिस्पॉन्स टू नर्व इम्पल्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कि एक ब्रेन का पार्ट है, वहाँ से एक नर्व इम्पल्स आएगी, एक मैसेज आएगा, जिसके रिस्पॉन्स में पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड की ये हार्मोन्स, तो ये दोनों हार्मोन्स को रिलीज करेगी। और वो कौन सा नर्व इम्पल्स आएगी, वो कौन सा मैसेज होगा, वो आगे डिपेंड करता है। ठीक है, और मैं आगे बताऊँगी कि कौन सा मैसेज होगा, कौन सा रिस्पॉन्स होगा जिसके उसमें वो आगे से हमारे पास पोस्टीरियर लोब जो होती है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन की प्रोडक्शन या रिलीज करवाएगी। अच्छा, ADH हमारे पास होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी मीन अगेंस्ट एंड डायूरेसिस में होता है यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है, अब होता है ऐसे है कि इसकी सिक्रीशन किस वक्त होती है, जिस वक्त हमारे पास BP ब्लड प्रेशर लेवल हमारे पास लो हो जाए, ब्लड का वॉल्यूम लो हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड जो है उसका वॉल्यूम लो हो, तो हमारे पास क्या होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है उस वक्त। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका मेजर फंक्शन ये है कि एब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर की। ठीक है, पहली बात क्या है कि ADH हार्मोन वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाएगा फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। हमने, आपको याद होगा, हमने नेफ्रॉन का एक पार्ट पढ़ा था, डेट इज़ कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। ठीक है, जो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर था, और जिसमें से हमने कहा था कि ये सारी चीज़ें पास होंगी तो वो फिल्ट्रेट हो जाएंगी। तो वहाँ पर जो फिल्ट्रेट होते हैं उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन का एक पार्ट है, वहाँ पर जो फिल्ट्रेट बचते हैं पीछे से कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और उसमें से वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो कौन करेगा, ADH करेगा। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सेकेंडली ये क्या करेगा ADH, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आर्टरीज, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या होगा, BP जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, जिस वक्त हमारे पास जो आर्टरीज होती हैं वो डायलेट होती हैं ना, हमारे पास BP लो हो जाता है। ठीक है, जिस वक्त ब्लड प्रेशर लो होगा तो ADH हार्मोन की सिक्रीशन होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आर्टरीज टेक प्लेस, ड्यू टू विच ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर। अच्छा, इसकी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी हैं। ठीक है, अगर हम एबनॉर्मलिटीज़ की बात करें ना, तो हमारे पास अगर इसकी देखें एबनॉर्मल साइड पे ADH अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो गया एबनॉर्मल अमाउंट में, तो हमारे पास एक कंडीशन काज होती है, डेट इज़ कॉल्ड द डायबिटीज इंसिपाइडस। ठीक है, डायबिटीज इंसिपाइडस जो है इसमें क्या होता है कि लार्ज डायलूट यूरिन की प्रोडक्शन हो जाती है, और गैस्ट्रिक हंगर फील होती है, एसिडिटी फील होती है। ठीक है, और यूरिन की प्रोडक्शन जो होती है, डायलूट यूरिन की प्रोडक्शन वो भी ज़्यादा हो जाती है डायबिटीज इंसिपाइडस में। तो ये इसकी एक एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, कि अगर ये ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो ये काज करेगा, और उसके फंक्शन ये हैं। अच्छा जी, द सेकंड वन जो हमारे पास एक हार्मोन है, डेट इज कॉल्ड द ऑक्सीटोसिन, जो कि पोस्टीरियर लोब से ही सिक्रीट होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हमारे पास वर्ड जो होता है ऑक्सीटोसिया, ऑक्सीटोशिया भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। मतलब कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड इन द नर्सिंग वोमेंस के अंदर। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के दौरान हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होगा, ये रिलीज होगा। अब इसकी सिक्रीशन एक तो हमने पढ़ लिया कि चाइल्ड बर्थ के दौरान होगी, दूसरी किस किस वक्त होगी, दूसरी सिक्रीशन इसकी होगी बाय स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स ऑफ यूटरस, यूटरस की सर्विक्स स्ट्रेचिंग के वक्त हमारे पास इसकी सिक्रीशन होगी, जिस वक्त हमारे पास लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन ब्लड। ठीक है, हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है, ब्लड के अंदर। ठीक है, तब भी हमारे पास ऑक्सीटोसिन की क्या कहते हैं सिक्रीशन होगी। प्रोजेस्टेरोन मैंने पहले भी बात की थी, एक हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है, जो रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है, इसके अलावा यूटरस की जितनी भी यूटरस को रेडी करना, उसको प्रिपेयर करना, वो इसका काम होता है। ठीक है, अच्छा, और किस सिक्रीट होगा इस वक्त, इन लैक्टेटिंग वोमेन सकलिंग काज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, लैक्टेटिंग वोमेन के अंदर हमारे पास जो सकलिंग है वो हमारे पास ऑक्सीटोसिन की रिलीज का बायस बनती है। ठीक है, तो ये तीन चार स्टेजेस ऐसे हैं जिसमें हमारे पास ऑक्सीटोसिन जो है उसकी सिक्रीशन होगी। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीट हो गया ये हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, अब इसका फंक्शन क्या है, तो मेजर फंक्शन इसका क्या है, ये काज द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स ड्यूरिंग बर्थ। ठीक है, एक तो बर्थ के दौरान
यूटराइन मसल्स की जो कंट्रक्शन है वो करवाता है ऑक्सीटोसिन, फर्स्ट फंक्शन. द सेकंड इज इट काज द कंट्रक्शन ऑफ यूटराइन वॉल टू एक्सपेल प्लेसेंटा, ठीक है. और दूसरा ये यूटराइन वॉल्स को क्या कहते हैं उसकी कंट्रक्शन करवाता है ताकि वो क्या कर सके प्लेसेंटा को एक्सपेल कर सकें, ठीक है. प्लेसेंटा हमने पहले पढ़ा था एक आर्गन है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है टू द बेबी, ठीक है. तो ये होता है जिस वक्त हमारे पास क्या कहते हैं कंट्रक्शन करवाता है, ठीक है, यूटराइन वाल की ताकि प्लेसेंटा को एक्सपेल किया जा सके, ऑक्सीटोसिन के काम है, ठीक है. एंड द थर्ड वन इज इट काज द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, ठीक है. मिल्क इजेक्शन जो होती है, ठीक है, वो भी मेमरी ग्लैंड से, वो भी किसका काम होता है ऑक्सीटोसिन का, ठीक है. तो ऑक्सीटोसिन के ये सारे फंक्शन है. और किस वक्त रिलीज होता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ या नर्सिंग वोमैन के, नर्सिंग वोमैन के अंदर भी ये सिक्रीट होता है. और ये किस से बिलोंग करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब जो है वो सिक्रीट करती है, ठीक है, सॉरी सिक्रीट नहीं स्टोर करती है, क्योंकि उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इसको सिंथेसाइज कर सके, इसलिए पोस्टीरियर लोब जो होती है वो ओनली स्टोर करती है एडीएच को और ऑक्सीटोसिन को, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.